और आ, इनके पड़े थे वहाँ पे क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ी यार मैं बेसिकली मैंने बेगम को वरीशा को जो है वलीमे वाले दिन गधा गिफ्ट किया था उस पर मुझे लग रहा था कि शायद बड़े मीम्स बनेंगे वरीशा जो है दो गधों के साथ खड़ी है मतलब मुझे भी लग रही है वेरी इंटरेस्टिंग यार मैं अपनी बीवी को एक एक गधा गिफ्ट करूँ गधे के बच्चे आपने कभी गौर से देखे हैं? हाँ काफी लोगों ने नहीं देखे हुए थे क्यों कितने क्यूट होते हैं उनके बाल आगे कैसे यूं आए विवेक ओबराय की तरह बाल आए हुए होते हैं <laughs> 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 इन दोनों को हैवी प्यार हुआ है तुमसे अगर <laughs> इन दोनों में से लेट्स से कि दुनिया खत्म हो रही <laughs> 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 नहीं होगी नहीं मैं ये से मुझे पता चल गया सवाल क्या सवाल शादी करूंगे नहीं अगली <laughs> अभी, है। अभी नुट। 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 स्वीट पर्सन आई मेड इन पाकिस्तान ठीक है इससे मेरी तुम्हारी... <laughs> नहीं नहीं नहीं। इस दोस्ती... शादी तुम्हारी <laughs> 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 इसका जवाब शाबीर देगा तुम्हें चीटिंग की है ना की है ना चीटिंग ये हमेशा से भरोसे का जमाना वैसे रहा नहीं है तुमने भाई तो भी भरोसा नहीं कर था तो चलो यार ये... हेलो व्हाट्सएप वेलकम बैक टू करो जल्दी से चीटिंग तो उसने भी की तुम कितना मुझे अंडरमाइंड करती हो है ना हाँ। मतलब बताओ अंडरमाइन मतलब कि मैं माइंड के अंदर नीचे करती हूं मैं है ना जाली अंडर के अंदर एक्सपेक्ट ये करता था हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट दिस योर होस्ट जाफरी एंड विद अस इज द ब्यूटीफुल द एवर येलो मिस मोमिना सुंदर सईदा फ्रॉम द डेंटल स्टूडियो

हाँ। तो टोटल छह गेस्ट और, और एक्स्ट्रा दो लोग रास्ते दो में रास्ते में अच्छा यहाँ पे पूरा एक क्राउड बैठा हुआ है हमारे कैमरास के पीछे लेकिन जो आज के हमारे पहले दो गेस्ट हैं लेडीज एंड जेंटलमैन गिव इट अप फॉर सदीद एंड द वन एंड ओनली मिस्टर अज़लान शाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच और शुड आई से अज़लान शाह डोंकी कह सकते हो

और जो कि बने थे थोड़े बहुत के वरीशा जो दो गधों के साथ खड़ी है मतलब मुझे भी <laughs> <था>। <laughs> मुझे भी गधा कह रहे थे यार तो मेरे दिमाग में एक्चुअली ये मीम थी इसलिए तूने गिफ्ट किया नहीं ब्रो आवाम ने मीम बनाई थी मुझे पता Meme's था मीम बनेगी बने लेकिन इंटेंशन वो नहीं थी कि मैं चाहता हूँ कि मीम बने ठीक है क्योंकि मुझे बेबी डॉकिस पसंद है तो अब जब घदा दिया तो अगले दिन जो है वो मुझे वलीमे के नेक्स्ट डे मेरा फ़ोन बज रहा है सुबह नौ बजे मैंने कहा पता नहीं कौन सुबह ही सुबह कॉल कर रहा है यार फ़ोन उठाया तो वो सी से कॉल थी सॉरी 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 बीबीसी उर्दू से कॉल थी बीबीसी उर्दू से कॉल <laughs> सही है ना अबे आसपास ही तो बाइडेन खड़े दोनों तो हाँ बीबीसी की कॉल थी फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया फिर थोड़ी देर बाद जो है ना वो सारे न्यूज चैनल और हर जगह जो है ना आर्टिकल्स लगना शुरू हो गए इंडिया से हिंदुस्तान टाइम, टाइम्स टाइम्स नाउ एन डी टी वी खलीज टाइम हर जगह आर्टिकल्स लग गए ना अब अगर रजलान शाह लिखेंगे तो वो घधे की स्टोरी और आ जाएगी <laughs> इंडिया में न्यूज़ चल रही थी कि एक दूल्हे ने अपनी पत्नी को जो है वो घधा तोहफे में दिया गिफ्ट किया तो खैर बस फिर मैंने वो आर्टिकल्स डाले मैंने अप्लाई किया और वो रिजेक्ट हो गया थोड़ा तो सा थर्टी डेज गुजर गए अब मेरे एक दोस्त है शहीर ना उस तुम्हारा वेरीफाई क्यों नहीं हुआ मैंने बोला तो वेरिफा, वेरिफा, तो तो रिजेक्ट कर देते हैं फायदा क्या करने का फिर रिजेक्ट कर देंगे लाओ मैं तुम्हारा तो, करता हूँ बोला फिर छोड़ यार क्या करेगा यार फिर रिजेक्ट हो तो जाएगा फिर थर्टी डेज करता हूँ ला दो सही उसने वही पांच आर्टिकल डाले हिंदुस्तान टाइम्स एनडीटी टी साथ जो भी आर्टिकल थे वो डाले उसमें एक ऑप्शन आता है ऑल्सो एज वाला लोग जो वेरीफाई करते हैं ना वो मिस कर देते हैं कि वो ऑल्सो नोनेस हाँ ऑल्सो नोनेस हिशाम ऑल्सो नोनेस शाविर जाफरी उसमें लिखा उसने ऑल्सो नोनेस अजलान शाह डोंकी <laughs> <laughs> तो अगर, अगर आप गूगल पे अजलान शाह डोंकी लिखते हैं ना तो आर्टिकल्स मेरे सारे आ जाते हैं उसने नाम मेरा लिखा वहाँ अजलाइन शाह डोंकी और एक घंटे बाद मेरा ब्लूटेक आ गया <laughs> <laughs> ये नहीं तो मुझे ये पता कि तू खुश हुआ कि तूने तू तुझे अफसुर्दा हुआ तू यार मैं बड़ा खुश हुआ।, हुआ मैं तो उस गधे के लिए एक नाम रखा भोले के लिए ट्रीट श्रीट लेकर आए मेरा इधर तेरी वजह से मैं हुआ यार, यार स्टोरी ब्रो हाँ, देखो कि डॉंकी चार चार हाँ देखे ना खाली डोंकी लिखो <laughs> अच्छा मैं एक बात बताऊं अगर मैं यस तो इस तरीके से जो है ना

Like like I just want to know like, motivation क्या थी इसके पीछे? यार मोटिवेशन ये थी कि घदे के बच्चे आपने कभी गौर से देखे हाँ काफी लोगों ने नहीं देखे हुए थे क्यों कितने क्यूट होते हैं उनके बाल आगे कैसे यूं आए <laughs> विवेक ओबराय की तरह बाल आए हुए होते हैं कटो... <laughs> <laughs> कटोरा कट होता है बालों पे <laughs> <laughs> सही बड़े क्यूट होते हैं <laughs> तो वो प्रिंस अब... वाला विवेक ओबरा प्रिंस वाला विवेक ओबरा उसमें उसके बाल यूं ही थे कुछ तो जो है मैंने मंगनी जब हुई थी मेरी तब मैंने पूछा था वरीशा से यार कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे गधे बहुत पसंद है <laughs> ओके। मंगनी के बाद ही डायरेक्ट ये, ये पूछा था डायरेक्ट नहीं <laughs> क्यों नहीं पूछा मैंने कहा अच्छा क्योंकि मुझे भी जानवर बहुत पसंद है तो मैंने बोला अच्छा चलो मुझे ही बड़े पसंद है तो मेरे था दिमाग में कि मैं उसको वलीमे वाले दिन गधे का बच्चा गिफ्ट करूँ यार

इंसानों के लिए तो चलो कम हुआ है या जो भी है लेकिन इसके लिए जो जानवरों का जो इसके दिल में प्यार है ना वो बहुत सारे यानी कि वो बहुत सारे लोग उसको उसके जानते ही नहीं है तुम्हारी ये वाली साइड सो लेनीस्ट ऐसा ही है ये आ, अगर कोई जा रहा होगा इसको कहीं पे कोई कुत्ता नजर आ जाएगा तो ये उसकी कोई को, यानी कि इन नीड कुत्ता इन नीड पे था, जा रहा था, कराची में ना रजा की तरफ जा रहा था मैं। तो मैंने क्या देखा मेन हाईवे पे एक गधा बीचो बीच बैठा हुआ है और उससे दस कदम की दूरी पर एक और गधा पड़ा हुआ है ठीक है जो पहला वाला गधा था उसको इंटरनल ब्लीडिंग थी और जो दूसरा गधा था उसकी जो पूरा मुंह होता है ना नाक वाक सुराख मतलब फट चुका था किसी ट्रक वाले ने बहुत ज़ोर से उसको मारा था और आगे चले गया था अब मैं वरीशा के साथ था मैंने मेन हाईवे वे और लोग हंस रहे थे ट्रक ड्राइवर्स वगैरह सारे लोग हंस रहे थे ओ पड़ा हुआ है घदा पड़ा घदे को मार दिया घदे को मार दिया <laughs> खैर मैंने गाड़ी लगाई मैं उतरा इतना खून निकल रहा था मैं बता नहीं सकता घधा मैंने उठाया लोग मुझे देखा देखी में आ गए घधा उठाया साइड में किया एक एन को कॉल की और अल्लाह का करना ये हुआ वो क़रीब थर वो आ गए उन घदों को रेस्क्यू किया उनका ट्रीटमेंट हुआ अब वो घधे अल्लाह का शुक्र है बेस्ट है हेल्दी हैं ठीक ठाक हैं सही है तो अब सवाल ये होता है कि घधा बीच में आते क्यों हैं अक्सर व बेशतर जो है ना कराची में यूजली होता।, होता है आई डोंट नो यहाँ पे होता ही नहीं होता बट करते हैं एक माफिया है इसको कहते हैं डोंकी ट्रैप oh. जो गधे रिटायर हो जाते हैं या जो गधे वो काम लोड काम नहीं उठा सकते या काम और जो जख्मी हो जाते हैं टांग टूट जाती है वो मालिक के किसी काम के नहीं होते तो करते गए बेसिकली उसको बीच रोड पर छोड़ देते हैं आपने आए आपने टक्कर मारी और जो ओनर होगा वो बीच में आ जाएगा ये तो मेरा एक ही जरिया है मास था इससे तो मैं कमाता था oh, oh, damn, अब आप मुझे इतने लाख रुपए दे रहे हो गधा स्कैम oh, गधा स्कैम भी कर स्कैम गधा स्कैम शिट यार तो ऐसा होता है पीपल आर सो क्रिएटिव कितने का गधा होता है वैसे यार मैंने जो भोला और उसकी अम्मा ली थी वो तो मैंने 30000 की ली थी और सेट पूरा मतलब दोनों हाँ, दोनों पे सेट मतलब सेट पूरा सेट। हो क्या था ना कमल बेटे किसी थे, तो नहीं मदर पता चला था, थे मदर एंड सन थे मदर एंड सन नहीं पता चला था मैंने उसी सेकंड पेयर वो बोल दिया ना सेट सेट, सेट, सेट था हाँ <laughs> <था। laughs> <laughs> चार्जर एंड फ्री पूरी <laughs> थी उसकी पूरी और चार्जर साथ चार्जर <laughs> इस के साथ भी आता। <laughs> हाँ नहीं, लेकिन कुछ लोगों में ये वाला भी नहीं होता ना कि अच्छा माँ को लेता कर देंगे बच्चे को लेता कर देंगे वो वाली चीज नहीं वो मदर फीड था मुझे बुरा लग रहा था मैंने उसकी हाँ। अम्मा से अलग कर दूंगा तो मैंने बोले बड़ी वाली भी साथ ही दे दें

ऐसा बनता कभी mm -hmm. मगर लूंगा, कभी कभी चिप के लिए। मैं चुटा लूंगा तुम भी आए थे तो वरीशा है तो उसको मैंने अपनी उसमें शो में बुलाया था ना उसमें करना क्या होता था एक बॉक्स होता था उसमें हाथ डालते थे उसमें एनिमल्स होते था तो वरीशा ने उस बॉक्स में छिपकली थी गैको लेपर्ड उसने वो उठाई और अपने हाथ पे रख ली थी और उस वक्त हमारा कोई सीन वीन कुछ भी नहीं था और वहां मेरे दिमाग में आया था कि यार क्या बंदी है यार। यार। काश काश दियार। होता है प्लीज, प्लीज हो जाए लड़की ने चिपकली पकड़ ली oh, यार ये नॉट अ स्नेक तो वहां God, मैंने कहा यार बस यही है भाई मुझे ये कहानी अच्छी लग रही थी मुझे ये इधर तक सही people who don't know Sadeed has the ability to laugh laugh on literally anything and his laugh is so contagious आप चाहे लोगों की जॉक पे आपको हंसी ना आई लेकिन अगर सदीत वहां पर है तो सदी हंस आपको हसी आना शुरू हो जाती है case in point. आप ये बताए कि जो लाफिंग ये जो आपने एक परसोना अपना क्रिएट किया है ये रियल है या ये आ, 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 आपको लोगों की भोंगियाँ वाकई पसंद आती हैं

Yeah, a new game. कल रात से हम लोग ने कोई नई गेम गेमेंट किया वेस्ट लाइन से नीचे अगर आपने ये वाला साइन पकड़ा हुआ ना और लट से की मैंने ये साइन पकड़ा था और सुंदस इस साइन को देख लेती है तो सुंदस को मैं इस तरह करके मुक्का मारूंगा बाजू पे अगर सुंदस यही करती है तो सुंदस मुझे मुक्का मारेगी तो हम कल रात से हाशिर को इतने मुक्के मार रहे हैं सिर्फ मारे के साथ हो रहा है क्योंकि ये इतना ज्यादा बेवकूफ बनी जा रहा है हम लोग एक वक्त आया कि सबको पता लग गया कि वेस्ट लाइन से नीचे ये नहीं देखना मैं कहता था ना हाशिर यार जरा ये दे देख मेरी जीन्स में क्या लगा हुआ इस तरह करके तो इसने देखना बंद कर दिया एक वक्त पे तो मैंने क्या किया? मैंने, किया मैंने इस तरह करके ना फोन पे तस्वीर ली यू करके मैंने हाशिर को हाशिर ये देख फोन पे आने आएगा फिर मुक्का खाया तो ये बड़ी अभी मेरे साथ किया है और फुल जूतों के पास अपना ऐसे उंगली रख के हाथ ऐसे करके मुझे कहता है कि आप ही ये देखें और मैंने देखा तो मैंने कहा कि ये भागना शुरू हो गया मेरे पीछे मुक्का मार कर फिर मैंने उसको कुर्सी मारी ये <laughs> हो गया ना नहीं मैं भी सीख गया मैंने भी अभी ये कर दिया बेटा अब तू देख अब तेरे मुक्का पड़ारा से मेरे साथ किया था अज़लान भाई ये देखें मैंने कहा क्या ही करता भागने

थाईलैंड यार थाईलैंड तुम्हें वहां पे वो नहीं मिले लेडी बॉयज <laughs> मैं क्यों मिलूंगा उनसे <laughs> नहीं यानी वो तो आते जाते वैसे ही मिल जाते हैं हां <laughs> मैं पांच छह बार जा चुका हूं पहले भी जा चुके हो ना हां हां तुम्हें पता ना थाईलैंड में क्या होता है <laughs> हां <laughs> क्या होता है लेडी बॉयज वो तो मैंने बोल दिया ना बताओ क्या होता है लेडी बॉयज जो हैं वो आपको लेके जाते हैं हां आप लेडी बॉयज को लेके जाते हो हाँ तो एक ही बात हो गई जाना तो दोनों ने <laughs> तो <laughs> अच्छा वहाँ पे लेडी को अगर लेडी बॉय बोल रहे हैं ना तो उनकी हट जाती है या तो मैं कैद तो है बोले कैद तो है ये इनकी जबान में कहते हैं ट्रांसजेंडर को ना या तो उनको ट्रांसजेंडर बोले इस तरीके का वो कहते हैं लेडी बॉय लेडी बॉय ना बोलो Transgender transgender are 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 the people who transition into a different gender. Yeah, lady boys intersex born. by choice, I think. मुझे सब पता है मैं मिला नहीं अभी कहा था दो मिनट पहले मैं मिला नहीं लेकिन उसने ये नहीं कहा क्यों मिलूंगा क्यों हाँ, तो हाँ, सॉरी मिलूंगा लेकिन देखो ना आप अगर नहीं मिला हुआ हाँ, तो फिर इसको कैसे पता कि उसको हाँ, क्यतोए क्यतोए और क्यतोए और है? और वो माइंड इसलिए क्योंकि अच्छा मैंने पढ़ा था उनके राइट्स पढ़े थे वहां पे मतलब ये वहां पे सेवन भी काम करते हैं और बार्स वगैरह क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी

फुल हैवी डाउनटाउन में वॉक हो रही है रात ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे अब वहाँ पे ना ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे के आसपास ना वहाँ पे लाइटें सारी बंद हो जाती हैं और पूरा उनका <laughs> जो डाउनटाउन की जो लेन है ना वो पूरी एक किस्म की रेड लाइन डिस्ट्रिक्ट बन जाती है रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट वे दर इज ओपन प्रोस्टिट्यूशन गोइंग ऑन आई थिंक इट्स लीगल इन थाईलैंड राइट और उनके अगेन उनके बहुत ज़्यादा राइट्स वगैरह भी हैं जैसे कि आपने मुझे बताया जैसे कि न्यूज में जैसे कि आपने पढ़े जैसे कि मैंने पढ़ा गूगल ने बताया रिसर्च किया देखो हम विद एक्सपीरियंस कोई बात नहीं करते मैंने सारा देखा एनीवेज अब हम लोग वॉक करके जा रहे हैं आई एम होल्डिंग आईश हैंड एज आई वॉक एंड लिटरली लेफ्ट राइट पे देर आर गर्ल्स लेडी बॉयज मिक्स एंड मैच चल रहा है और ब्रो वहां पे लोग खींचते हैं आपको क्या यार मुझे नहीं पता क्या है करके सर्विस ली है, अच्छा okay. मैं ये हुँ. कह रहा हूं कि मैं हम लोग वॉक करके जा रहे थे लोग आपको वहां पे okay. इस तरह इस तरह खींचते हैं जो वहां पे खड़ी होती है खड़े होते हैं मार्केटिंग तो आपको यू यू करके खींचते हैं अपनी और मैं तो ऑकवर्ड हो ही रहा था hmm. आयशा पागलों की तरह हंस रही है <laughs> वो फुल एंजॉय कर रही है मैंने कहा भाई मेरे साथ कुछ हो जाना है पे मुझे यहाँ से लेके चलो <laughs> वो नहीं छोड़ते आपको so, अच्छा, how, the, और काफी सारे और you. काफी सारे लड़के मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर सदी जैसा बाप देखो हमारा कितना अच्छा दोस्त है ठीक है वहां पे ऐसे काफी सारे लोगों को देखा है जो कि इन लोग के साथ जा रहे होते हैं तो सुदीद, सुदीद <laughs> एक मिनट एक मिनट ये मैं जानना चाहता हूँ क्या जो मुझे नहीं, नहीं मिसाल दे रहा हूँ जैसे हमारा दोस्त है अच्छे भले लोग मुझे ये बताओ लाहौर में रह किधर रहे हो किधर सबको बताओ लाहौर में रह स्टे किधर है आपका यार क्या मतलब किधर से अब अगर थाईलैंड छोड़ो मेरे तो आज बातें कर रहे हैं यार कहां हो गए सब वॉइस नोट दे देना चाबी को चलाने के लिए यहां पे यार नहीं क्या कहाँ स्टे भाई मुझे पता नहीं इतना लाहौर का तो मैं बोला असलाल किधर रुका है मैंने कहा गुलबर्ग टू हाँ रमादा प्लाजा देखा है हाँ उसके सामने एक है। <laughs> <रोस पेलस> होटल है रोज पैलेस होटल तू मुझे बोलता है ध्यान से माँ की चीजें ज्यादा यूज मत करना रोज पैलेस होटल में क्या है तुम्हें कैसे पता उसका मौसम मैंने बताया था बेचारा मौसम <laughs> नहीं वो वैसे फॉर लाइक इस तरह की ना काफी like, like so, like, लोकेशन है like, पूरे, पूरे पाकिस्तान में अब तो लाइक oh. so, like, मतलब अच्छे अच्छे होटलों में भी कौन सी लोकेशंस पे गए यार मौसम भाई आखिर जब कराची गए थे ना उन्होंने मुझे क्या <laughs> but, नहीं यार्स like, yeah. चीजें चलती हैं लाइक like, हम जितना समझते हैं think, कोई है या इस्लाम के खिलाफ like in yeah. like, ये बहुत कॉमन चीज है और मतलब ब्लैक मार्किट समझो है, है। तो बातें कर रहे हैं बट देना hmm. यार तुम लोगों yeah, ने वो देखा पी एस एल के अंदर जो वन एक्स बैट

काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने किया था उस ब्रांड को प्रमोट एंड उसके बाद सबको कॉल्स आ गई थी ये जो एफ बी आर वगैरह इन सब जगहों से एफ आई ए से सॉरी कि यार आप ये क्या प्रमोट करें ज़रा आएँ ज़रा बैठे हैं आपको पता भी है क्या चीज़ है ये इलीगल है और ये वो तो वो एक ट्रेडिंग वेबसाइट थी सब ने किए है उसके वीडियोज़ तो इन लोगों पर इतनी बुराई आई

पचास लाख से <laughs> कर लेते कर? थोड़ा कर लेते हैं बस हफ्ता नहीं तो खोलेंगे अगली दफा नहीं करना। तो 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 कर देंगे। <laughs> नहीं करना अच्छी स्पॉंसर, स्पॉंसर लगाने से पहले सॉरी की वीडियो लगा देंजुअल कर बात कर रहा हूँ ये तो मतलब रन है ना तो लाइक मैं खाली पीटीवी की बात कर रहा हूँ मैं और hmm. प्लेयर्स वगैरह की बट इधर फिर आपका वही इशू आ जाता ना आई I मीन mean, वैसे भी आप देखो मुल्क में क्या हो रहा है तो वाई वुड एनी वन एवरीवन वन ट्राइंग टू मेक अ क्विक बक एंड गो देर ओनली वन पर्सन इज एक्चुअली ट्राइंग टू मेक थिंग्स वर्क डैम सदीद स्पेरिंग सम फैक्ट्स लेट्स नॉट नेम द पर्सन तुमने तो कह कल <laughs> कोई फायदा नहीं तो <laughs>

ये बंदा मेरा सही बिजनेस पार्टनर है हमेशा मेरे फायदे का सोचता है आई लव यू टू नहीं अगर इसको हम थोड़ा ऐसे बताएं नहीं लोगों को समझ आ जाएगी पता? पता है ना बताएं लोग खुद ही स्टोरी बना लेंगे तुम पता क्या कर सकते हो तुम डिटेल्स में जाए बगैर एक ओवरऑल कंक्लूजन सी या एक ओवरऑल समरी सी दे सकते हो हाँ। कि तुम एक बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइम से अभी रिसेंटली हाँ, गुजरे हो और तुम्हारा किसी ने माइंड टॉर्चर करने की कोशिश की तो मैं फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश हाँ, की और तुम उससे successfully उस ट्रैप से बाहर निकल हाँ, हाँ, और वो सिर्फ तुम इसलिए पावर की मैं मैं थोड़ा सा बताता हूँ भाई सीन बेसिकली ये है कि इंसान को अपने होशो हवास में रहना चाहिए ठीक है पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी शराफ़त का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं ठीक <coughs> है तो बेसिकली रीसेंट रीसेंट एक वाक्य कुछ ऐसा ही था कि एक फैमिली ने मुझे बहुत टॉर्चर किया था मेंटली एंड uh, मतलब वो ऐसी सिचुएशन थी कि जहाँ मुझे लग रहा था कि मेरा करियर ख़त्म हो गया है, मैं बर्बाद हो गया मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई मेरी तीन महीने पहले शादी हुई है मैं कहीं का नहीं रहूँगा एंड बेसिकली वो ब्लैक मेलर्स थे कुछ लोग होते हैं ना जो बाहर मुल्क में रहना शुरू हो जाते हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं है वो यूएस की एक फैमिली हकारत की नज़र हकारत की नज़र है क्या औकात है पाकिस्तानियों की वी आर अमेरिकन ठीक है तो वो ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं ना वो बहुत जाहिल होते हैं लेकिन कभी कभार वो ऐसी गलती कर जाते हैं जो कभी उन पर पलट हो जाती तो बेसिकली एक ऐसी फैमिली ने मुझे ब्लैक करना शुरू किया था एंड एक एक्सीडेंट हुआ था बेसिकली उस उसमें मुझे ब्लैक करना शुरू किया था बट उनकी गलती कुछ ऐसी थी कि वहाँ मेरा थोड़ा सा दिमाग काम कर गया था तो अगर मैं इसको मज़ीद थोड़ा इसको मैं बताऊँ तो जब कोई आपको ब्लैकमेल करने लगे और वहाँ पे कुछ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हों और अगर मैं वो फुटेज निकाल लूँ और अगर आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो और आप मैं आपको दिखाऊँ कि सुंदस ये क्या है मेरे पास सबूत है मैं इनोसेंट हूँ ये आपकी ये आपका सच है ये आपकी गलती है तो वो उनकी बैंड बच गई उनकी फट गई और वो अमेरिका भाग गए के हम इस केस में तो उल्टा हमारे ऊपर आ जाएगा नाम ने इनसे पैसे निकलवाने ना कुछ हम भागो 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 और, भाग और ब्रो दिन पहले खबर आई वो अमेरिका से मूव होके कनाडा चलेगा के पास वो सीसीटीवी फुटेज है हम माफी मांगना चाहते हैं इस मामले को रफा दफा करो वो सीसीटीवी फुटेज ऐसी है कि जो इल्जाम वो इस पे लगा रहे थे किस्म का उलट था गलती कंप्लीटली उनकी थी नेगलिजेंस उनकी थी सै सब कुछ उनका प्रॉब्लम था और इल्ज़ाम इस बेचारे पे लगा रहे थे क्योंकि उनको एक इजी प्रे नजर आ गया शरीफ आदमी नजर आ गया इसने वो सीसीटीवी फुटेज निकलवा के उनको दिखा दी कि देखें मैं आपसे कुछ चाहता भी नहीं हूं और मैं ये भी नहीं चाहता कि अब आप मुझे मजीद और मेंटली टॉर्चर करें तो अगर आप अगर मैं शरीफ ना रहूं तो क्वाइट लिटरली मैं आपकी फैमिली पूरी गेम पलट सकती है और ऐसी गेम पलटती है मतलब वो फैमिली बर्बाद हो जाती है

i feel like people who, haan, karma, karma is karma's bad Log nahi hai ye, eventually people who, who are on the right path yeah. they eventually come out as well mm. it takes time and that's true <coughs> <But hota. coughs> Teh blackmail maldo karata we're going to talk about it we're going to talk about it दोनों के मुंह लटके हिशाम इन हाशिर और रेसिंग टू चेक नाम ही लिए अभी दोनों के मुंह लटके मुंह लटके हुए थे ऐसे साइबर मैं चेक करता हूं इंटरेस्टिंग <laughs> <बारे। laughs> तुमने मुझे कुछ बताना था क्या कि तुम आ, कहां थे उस दिन जिस दे? दिन तुम्हारी पिक्चर्स लगी थी इमरान खान की बात सर ये मेरा भी सवाल था मतलब मैं कल देखता हूँ

it was one of the one of the best days of my life obviously sure for any yet. one of ah. us for anybody who's yeah. young who looks up to people yeah. it's one of the greatest days because obviously that guy inspired me all my life mm. i remember in 2011 or 12 i was i think like very young and i was just listening to imran khan's lectures online my oh, cool, yeah. <laughs> ted talks mm. they the motivational ted talks imran khan ah. atiti then I got to read his book, Pakistan: A Personal History. Just that book alone changed my perspective about dreaming and how to achieve your dreams, how to dream bigger and bigger and bigger. So Imran Khan, more than a politician, I consider him a teacher. Hmm. Hmm. I love the champion side of Imran Khan, hmm. the side jo he, which never gives up, which is always like, go and get it. It's all yours. Uh -huh. It's all right here. Uh -huh. So when I get uh, a message, it comes randomly. कि uh, फातमा खान का शी इज़ द वाइफ ऑफ अहमद अली बट उन्होंने मुझसे पूछा उन्होंने कहा कि आप खान साहब uh, से मिलना चाहते हैं कुछ हम लोग लोग इकट्ठे कर रहे हैं हम लोग एक ग्रुप बना के जाएंगे तो आप अगर मिलना चाहते हैं तो हमें बता दें मैंने कहा फ्रेशर sure. खान शाह खान साहब की मीडिया टीम ने प्रॉब्लली उनको बोला वा होगा उन्होंने मेरे वो स्नैपशॉट एक लेके मेरी तस्वीर भी mm -hmm. लगाई हुई थी उसके अंदर इन, लो, इन, लो, इन लोगों को इनवाइट करो तो आई गॉर एंड इन्विटेशन आई सेड यस एंड देन दे सेड के जिस दिन मीटिंग थी ना उस दिन साढ़े छः सात बजे मीटिंग थी और छः बजे तक कॉन्फर्मेशन नहीं आई थी बिकॉज ऑब्वियसली खान साहब इज़ बिजी मैन लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू ऑन स्केजल एनी वेज एकदम से कॉल आती है कि वी आर वी आर गो वी आर ग्रीन तो हम लोग सारे फॉरन पहुँचे uh. हम लोग इकट्ठे हुए एक जगह पे एंड देन वी वेंट इन कपल ऑफ कार्स टू जमान पार्क रोज़ अमान पार्क हम लोग पहुँचे हैं पहले तो मैंने घर देखा मैं थोड़ा सा हिल गया यानी कि ये वही जगह है जहाँ पे अभी तीन दिन पहले लोग लेटे हुए थे मार खा रहे थे बेचारे मुझे बड़ा थोड़ा सा यानी कि यू नो डाउन माय स्पाइन ऑब्वियसली घास घूस जली हुई थी सारा तोड़ कुछ oh. तोड़फोड़ हुई भी थी अच्छी खासी उसके बाद वी प्रोसीडेड टू गो इन साइड वहाँ पर डॉक्टर्स थे जो हमारे ग्रुप के अंदर कुछ वेरी वेल नोन डॉक्टर्स इन पाकिस्तान वेरी वेल नोन मीडिया पर्सनैलिटीज़ मिस्टर आफ्ताब इकबाल वॉज ऑल्सोर Yeah. Mm -hmm. बहुत सारे लोग थे <coughs> तो उन्होंने हमें बाहर बिठा दिया uh, उनके घर के ही ना वहाँ पे वेटिंग एरिया था वेटिंग लाउंड क्योंकि खान साहब वज़ डूंग मीटिंग इन साइड हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग सारे वहाँ पे बात कर रहे हैं एंड एवरीबडी इज़ जस्ट लाइक अ शदाई ऑफ इमरान खान बिकॉज एवरीबडी इज़ इन लव विद इज पर्सनैलिटी एंड ऑल तो वी आर जस्ट टॉकिंग फॉर फिफ्टीन मिनट्स अबाउट इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान इज़ लिटरली नेक्स्ट डोर यू नो डूइंग डूइंगज़ मीटिंग्स एंड ऑल एंड देन इवेंचुअली लाइक समबडी वोकिंग ओके कम एन and then everybody was oh, shit. <laughs> <laughs> now that build-up was <clears throat> literally something out of a film like i cannot uh, explain it if i ever make a bio autobiography on imran khan na, <laughs> i want to recreate this scene what i saw how i experienced it we're going inside we're going inside i don't want to say <laughs> where we went but let's say it was a big drawing room or wahababozadakusianagimithi मैं ड्राइंग रूम में एंटर होता हूँ सामने यूं करके सोफों की लाइन लगी हुई थी दूसरी साइड पे भी सोफों की लाइन लगी हुई थी बीच में टेबल्स थे और इस साइड पे एक बड़ी सी रेड कलर की कुर्सी पे द इमरान खानस्टैंड यू डोट अंडरस्टैंड आई ऑलमोस्ट लाइक आई ऑलमोस्ट लाइक वाइल आई वॉज वॉकिंग obviously a personality who whom you saw all your life on camera yeah. on tv yeah. on you know there was only one time i saw him before at a jalsa but this time we're going to talk to him you know nah. so it's like the effect is like 10 times larger so mr khan is sitting over there मैं और आयशा गए हम लोग बिल्कुल हमें एंड वाले सोफे पे बिठा दिया बिल्कुल सामने राइट नेक्स्ट टू इमरान खान बट लाइक इट वाज लाइक फार डाउन द आयल क्योंकि यहाँ पे सारे सोफा पे लोग hmm. बैठे हुए थे और वो आगे वाले एक एक करके बात अपनी करके जा रहे थे और oh पीछे God. वाले आगे आ रहे थे इस तरह था <laughs> तो अबाउट ट्वेंटी मिनट्स डाउन सारी मीटिंग्स ओवर हो गई तो उन्होंने कहा अच्छा अब ये जो हमने नया प्रूफ बुलाया ये आ जाब न्यू समीपल ही नो मोस्ट ऑफ दैम बट ही न्यू कि ये लोग इंडस्ट्री uh, से हैं मीडिया इंडस्ट्री से हैं और उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस भी इसी तरह उन्होंने कहा कि हाँ जी क्या सीन है आप लोग किस तरह है सारे उन्होंने तो, सबको सलाम किया उसके बाद उन्होंने राइट साइड से शुरू किया मैं और आयशा इस यानी कि अगर ये खान साहब बैठे हुए हैं ना रेड कुर्सी पर रेड कुर्सी तो रेड कुर्सी पे खान साहब बैठे हुए हैं ना तो यहाँ पे सोफे हैं और यहाँ पे सोफे हैं

रूम <laughs> खान देखो तो क्या रही इज सो वो लाल सोफा तो देखो जिसपे बैठे हैं। कितने अच्छे अच्छा जब खान साहब ने आयशा की तरफ पॉइंट किया लिटरली अगर खान साहब वहां है ना और आयशा की तरफ पॉइंट किया खान साहब ने क्या आपकी बारी आप बोले अपने को इंट्रोड्यूस कर लुकिंग ओवर देयर आयशा की तरफ देखा मैंने कहा शावी जाफरी एंड दिस इज माय वाइफ आयशा To I, just, I just literally told him that you know you're one of my biggest inspirations um, you taught me uh, how to dream you taught me how to achieve those dreams and i'm forever thankful to that i came to pakistan in 2019 as um, as a youngster who uh, believes in the growth of pakistan yeah. and hmm. you were in power back then and yeah. you know there's a lot of hopelessness right now but i hope k inshallah पाकिस्तान एक सही रास्ते पे जाएगा hmm. चाहे वो आपके थ्रू या चाहे किसी और yeah. के थ्रू आई जस्ट आए द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान उसके बाद बस वो आगे चलते रहे अब कोई ट्वेंटी मिनट्स इंटू द मीटिंग ना सबने एक एक करके सवाल पूछना शुरू किया एक एक करके नहीं यानी कि सारे रैंडमली oh, खान no. साहब yeah. से बातें कर yeah. रहे थे ब्रो वॉट जस्ट इंस्पायर्ड मी द मोस्ट ना एंड सबकॉन्शियसली डीप डाउन आई वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दिस टू है फॉर ट्वेंटी मिनट्स स्ट्रेट खान साहब डेट नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स जो पहले बीस पच्चीस मिनट थे तो उन्होंने कोई पोलिटिकल बात नहीं की उन्होंने किसी किस्म की किसी पोलिटिकल ओपोनेंट की बात नहीं की उन्होंने देखा कि यहाँ पे इंफ्लुनशल लोग बैठे हुए हैं जो और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हाँ। उन्होंने सिर्फ बात की है कि अपने दिमाग को कंट्रोल कैसे करना है और तुम्हारे दिमाग की पावर कितनी है उन्होंने बीस मिनट का हम सबको वहां पे बैठ के wow. उन्होंने एक लेसन दिया है एक लेक्चर दिया है जिसके अंदर ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट और वो हज यानी कि प्रॉबली उन्होंने पंद्रह से बीस एग्जाम्पल्स दिए हैं फ्रॉम डिफरेंट बुक्स के जैसे द ग्रेट फिलोसफर और द ग्रेट राइटर सेट ब्लाट द् बी जस्ट टॉक्ट अबाउट मैनिफेस्टेशन टॉकउट

और उन्होंने yeah. yeah. बताई है जो जिन चीजों की हमें सबसे ज्यादा सुनने की उसके yeah. बाद एक आध मिनट की पोलिटिकल टॉक हुई है बीच में अच्छा बीच में ना मैंने एक सवाल उनसे पूछ लिया मैंने उनसे कहा बहुत ही सेल्फिश सा सवाल है क्योंकि जाहिर सी बात है हमने यहाँ पर रुकना है पाकिस्तान yeah. में हमने यहाँ पे बड़े होने हैं हमारे बच्चों ने यहाँ पे बड़े होना है। तो मैंने पूछा कि खान साहब इन योर ओपिनियन एंड योर एक्सपीरियंस आप पाकिस्तान की पहली जनरेशन एंड ऑल आपको क्या लगता है पाकिस्तान कितने अरसे बाद एक प्रॉस्पर मुल्क बनेगा yeah. पाकिस्तान एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा so, क्योंकि yeah. इस वक्त दुनिया जिन फोर फ्रंट्स पर लड़ रही है वो ए आई ऑटोमेशन स्पेस स्टडीज और हम, सुना भी नहीं है हम, भी नहीं हम लोग जिन लेवल्स पे लड़ रहे हैं ना इतने ह्यूमन लेवल पे हम लोग Nicholas इस वक्त लड़ रहे हैं तो मैंने जब उनसे ये पूछा ना अब पहले तो वो सबकी तरफ देख रहे थे ना hmm. अब जब मैंने खान साहब से ये सवाल पूछा ना खान साहब स्टार्ट लुकिंग एट मी एंड लुक एनी वेलूक्ट्रो उन्होंने मुझे जवाब देना शुरू किया Bro, तुम्हे पता है कि अगर आपको कोई इस तरह देख रहा है और आ, आपकी यानी कि एक किस्म की आप बहुत नर्वस हो ना तो आपको आवाज आना बंद हो जाता है ढाई मिनट का मुझे जाती जवाब दिया मुझे पता नहीं क्या बोला उन्होंने आई हैव नो क्लू वट ही सेट ऑल आई नो वॉज वर्ड्स वर कमिंग आउट ऑफ विज माउथ एंड ही वॉज लुकिंग राइट एट मी एंड आई वॉज लुकिंग मैं इधर उधर मैं देख रहा था

यानी कि वो वो मोमेंट है और मैंने कहा यार क्या बोला है इन्होंने <laughs> यानी कि कि क्या जवाब था? था? तुमने लिखा भी ये था कि मैंने सवाल भी पता नहीं क्या किया था तो मुझे जवाब भी पता नहीं क्या मिला हाँ, थोड़ी देर बाद ना मैं सवाल भी भूल गया मैंने क्या किया था और जवाब तो स... सुना, सुना समझ ही तो ब्रो ये क्रक्स था ओवरऑल मीटिंग का और मैं कहता हूं कि That's crazy. That's that's crazy. more than anything, the uh -huh. champion Imran Khan, yeah. not the politician. Imran. Uh -huh, mm -hmm. uh -huh. I like. Yeah, he's not a politician. He's a leader. He's a leader. He will show you the right path. He will yes. not politicize things. Yes, he's just. I from his society people do That's pretty much what he's doing. So it was one of the most. It was one of my favorite days all my life, and this Good was yeah. the third time I got the opportunity to meet him, and this was the first time I took that opportunity. Before two times. ऐसी सिचुएशंस हुई हैं मेरी लाइफ में जब मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ एक दफा मैं इस्लामाबाद इनवाइटेड था इस्लामाबाद yeah. yeah. right? नहीं मैं इस्लामा पहुंच गया था अच्छा तो आ, मैं इस्लाम पहुंचा पहुंचाऊँ और पीछे से मेरी दादी जो थी वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी बहुत उनकी सीरियस कंडीशन हो गई थी शी वाज इन आईसीयू जब हम लोग सारे नानों के कमरे में बैठे होते थे

इसके बाद एक और बीच में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर आई थिंक आई वॉज इन्वाइटेड टू मीट उसके हुआ ये मेरी कोई फ्लाइट कैंसिल हो गई कुछ इस टाइप का कुछ सीन हुआ था थर्ड टाइम दे वॉज लाइक ए पॉड कैसा अपर्चुनिटी जो कि कैंसिल हो गई थी

सदीद मेरी जान थैंक यू फॉर कमिंग ऑन टू द शो अब मैं जाके पीछे बैठ जाऊंगा तुम लोग जरा बैठो ऑडियंस चलो हम जरा बाकी लोगों से थोड़ी सी बात करें चलो बाल सेट करने एक सेकंड ठंड नहीं है हमारी कूलनेस है ओके वी आर बैक विद द न्यू गेस्ट्स नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन सो एवरीबॉडी गिव इट अप फॉर मिस्टर हाशिर अनवर एंड मिस्टर हिशाम खाकान खान

स्पूटम? लगता है ये स्पूटम तो साफ है अच्छा हो गया ना बस सही है सब अच्छा तुम्हें बलगम से बलगम से इशू है दस, दस, दस वो बोलते बस बस वो भी रहे थे बलगम बलगम से इशू है तो बेगम बारे से तो आप यू नहीं करते बलगम को से मसला हुए तो तुमने सुनना ही है ना भाई अल्फाज हमारे क्या लगता है मैं एडिट करता हूँ यस मैं ही करता हूँ नहीं यार बहुत 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 गंदा वर्ड है ये गंध से याद आया कैसे आप लोग अल्लाह सॉरी यार मेरा वो मतलब नहीं था अच्छा। अच्छा। आ, क्या हाल है ठीक हो जी ठीक आप, खोला। आप, आप मेरे की बंद, बंद कर दर्कत कराती हो सा शर्ट तो आ दिया ये तो सही कर मैं मार दू तुम्हारे हिस्से का मेरे हिस्से का मार दे

<laughs> लाइबा जो पसंदीदा चीज है एक सेकंड देखें हम हम ऐसा नहीं है कि हम कुछ किसी को कोई दे रहे हैं बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है लेकिन लाइबा ये माइक पकड़ना जरा एक दो मेरे सवाल हेलो हेलो कैसी हैं ठीक ठीक है है तू बोलो मुझे बात तो कर उसकी आवाज क्लियर आएगी बोलो बोलो लाइबा हेलो हेलो <laughs> <Hello. laughs> मैंने कहा मैं कोई सिंगर हूँ जो तुम्हें इतनी क्लियर आवाज़ सुनने में पता है अजलान भाई कह रहे थे वो शो कर रहे थे ना वहाँ पे और किसी उनकी वाइफ ने आके वो छिपकली को हाथ लगाया उन्होंने कहा यार मैं भी मैं भी सोच रहा हूँ पाकिस्तानी आइडल सीजन टू मैं ही करूँ जिसकी आवाज़ अच्छी लगी घर वालों में यार <laughs> गढ़िया oh. देखो हाँ oh. सही बात है सुंदर बोला की घर वालों की के लड़कियों कैसे के देखो <laughs> पहले लड़ी को लड़ी को का, का मानना yeah, जरूरी होता है obviously. घर वाले आजकल इतने yeah. मैटर नहीं करते आजकल कर चीजें बहुत फ्रेजाइल हुई हुई है ये इन चीजों में ना तो तुम समझ नहीं आ रही थी मुझे ये बताओ की तुम दोनों एकदम से इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो गये हो बिल्कुल से मतलब क्या है मुझे हाशर क्या प्रॉब्लम है लाइबा में

नहीं नहीं ऐसा यार नहीं, किसी में कोई प्रॉब्लम लाइव तो मुझे ये बताओ हाँ। तुम इन दोनों के को बारे में क्या सोचती हो क्या सोचती हो सच बोलना दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं दोस्त इंडिविजुअल बताओ ना यार अच्छा रिश्ता नहीं पूछ रहे हा, हाशिर की <laughs> ये रिश्ता क्या कहलाफेंट इन द रूम ठीक है मैं पहले ये है कि ना कि मैं इनसे मिली कब थी वो अभी सब बताना लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम ये दोनों तुम्हारे पीछे बहुत लड़ते हैं है? यानी कि तो जब तुम, तुम तुम्हारे पीछे मुझे भी अभी पता चला अच्छा। <laughs> तुम मुझे ये बताओ तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था जो चीज मुझे पसंद होती है वो शाम चीज हाँ ना तो, तो बात हो रही है जो मुझे शर्ट पसंद होती है वो ये ले जाते

कि ये लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर करूंगी दोनों को ग्या ग्या अच्छा अगर अच्छे दोस्त अगर हैं। मतलब कोई भी अगर म, मतलब कोई बात शेयर करनी होती है मैं दोनों से कर लेती हूँ और दोनों मेरे बहुत अच्छे गलत है, है ना किसी एक से करो मुझे तो लगता है एक को मैसेज करके फिर दूसरे को फॉरवर्ड करती है हाँ यही हुआ था अच्छे दोस्त ना बन जाए का डर रखना है ऐसे ना करो साहब <laughs> ये मैंने कल टेरेस पे भी नोट किया क्या क्या नोट किया तुमने लड़ने वाली बात कौन सी लड़ने वाली कल तो कोई लड़ाई नहीं वैसे कल परसों कल परसों परसो यार ना अच्छा, ऐसा हुआ था? ये आप दोनों ने एक पार्टी, पार्टी कर लिया फ्रेंडशिप बैंड की तरह बहुत अच्छा इसको राखी बांधो बस एक बात बताओ ये इनमें से अगर इन दोनों में से लट से दुनिया खत्म हो रही नहीं होगी नहीं मैं ये मुझे पता चल गया सवाल दोनों में से किससे शादी करोगे नहीं है बगली अभी है। हम भी नुकुण। नुकुण 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 नुकुण। नुकुण। बात करनी थी तुम डायरेक्ट शादी आग सब साइडों पे लगी हुई है दोस्तों <laughs> <laughs> शादी तक तो भी, हाँ, भी तक, नहीं भी नहीं मुझे लगता है यार क्योंकि मैंने जो मुझे, मुझे लगा शावी ने ये नहीं नहीं लगा क्यों लगा, लगा, लगा। क्या भी, भी। इस पे पहले 2 मिनट का ब्रेक ले ले मुझे शर्म आ रही है उसका सवाल हो सकता था किसको बचाओगी किसको देखो मैं वही मैं कह रहा हूं अगर मुझे कोई कंप्लीट करने दे कि अगर ये दुनिया खत्म अच्छा अगर ये दुनिया खत्म हो रही है ठीक है सारे मर चुके हैं सारे ए, कोई एक, भी लड़का नहीं एक शेर है लड़का, तुम लड़के लड़का छोड़ दो एक शेर है उसने सबको मार दिया दुनिया हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ठीक है अब वो शेर भागा चला आ रहा है और एक पिंजरे में हाशिर है ठीक है एक नहीं सॉरी एक, <laughs> इमेजिन ना करना प्लीज <laughs> एक साइड पे हाशिर खड़ा हुआ है और एक साइड पे हिशाम खड़ा हुआ है तुम सेंटर में खड़ी भी हो तुम किसी एक को पकड़ के लेके जाके जल्दी से अपनी बोट के अंदर बैठ के निकल सकती हो लेकिन किसी एक को

लाइबा सोच लो मैं रास्ते में गाने भी सुना सकता हूँ जुकते मारेगा भाई पुरानी स्ट्रॉ से पी जाऊंगा फूक मार दूंगा <laughs> <laughs> मैं नए नए गाने सुनाऊंगा यार जो रिलीज नहीं भी नहीं माजिद में बंद कर दूंगा माजिद की डब्बी में बंद कर दूंगा हाँ ये देख लो शाम गाने सुनाएगा ये जुकते सुनाएगा तो देखो मतलब ऐसे फ्रेंड्स की तो जरूरत होती है ना तो बचाऊंगा दोनों कोई नहीं चलो इन दोनों को भेज देना खाई जाना हाँ अच्छा एक एक और एक और काम हो सकता है अगर हम एक स्केल लें उस पे एक पलड़े पे भाई हो और एक पलड़े पे दोस्त हो भाई सगा भाई नहीं नहीं यानी कि भाई एक भाई का टाइटल हो और एक पलड़े पे दोस्त का टाइटल है ठीक है भाई के टाइटल ये दोनों जो हैं ये कौन से टाइटल पे ज्यादा बैठते हैं आई थिंक दोस्त दोस्त के टाइटल पे ज्यादा बैठते हाँ. हैं क्योंकि ये जो है ना तुम्हारी फीलिंग्स ये वन साइडेड है ये साले दोनों कमीने इन <laughs> <है। laughs> दोनों को हैवी प्यार हुआ हुआ तुमसे नहीं 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 ये गलत बात ने, है ऐसे ऐसे तरह बोलो यार लड़की हक्कड़ हो जाएगी

<laughs> <laughs> इसे दोस्ती सॉरी सॉरी यार उस टाइम से शादी मेरे चुप खामोश खामोश <laughs> नजर आ गया सबको नहीं <laughs> क्या हो रहा <laughs> तो है यहाँ पे सुनो वो आगे पीछे हो गया था इससे मेरी दोस्ती तुम्हारी शादी पे हुई थी तो शी इज अ वेरी स्वीट नाइफ एंड गुड पर्सन आई हैव मेट और उसके जो मसले होते हैं सुन लेता हूँ अपने नहीं सुनाता क्योंकि फायदा नहीं होता uh, तो हाँ बस ये है कि अल्लाह इसके अच्छे नसीब करे मेरी दुआएं साथ भी इसका अच्छा नसीब हो बी नाइस पर्सन जब मैं आपकी शादी पे मिला था इससे तो uh, <laughs> ये like, तो रितु वाला लग रहा है नहीं, मैं

और <laughs> लाइक कोई भी बात होगी कोई भी बात छोटी बच्ची हो क्या <laughs> <नो>, कोई भी <laughs> लाइक कोई भी बात होगी तो उसको बहुत एग्जैचुरेट करके बताएगी तुम्हें पता है ये हुआ तो मेरे साथ ये वो इस टाइप की लाइक क्यूट एक, सी हरकतें करती है बस और अच्छी दोस्त है अच्छी दोस्त है क्यूट लगती है हाँ क्यूट है अच्छी दोस्त है अच्छा अब तुम मुझे बताओ हिशाम की बेस्ट चीजें क्या शाम की बेस्ट चीज़ सबसे जब बंदा कोई सैड होता है ये गाने सुना देता है और मूड सही हो जाता है सबसे पहली बात और ये जब बंदा बोर होता है क्रूजिंग पे चला जाता है इसके साथ और इसकी कंपनी बहुत अच्छी है और ये ख़ुद भी बहुत अच्छा इंसान है थैंक यू थैंक यू बहन और <laughs> और क्या बताऊँ मतलब शाम से मैं मिली थी शावी की शादी पे ही अबे उसने बोल दिया ना यानी सारी सी बात है तुम कहीं और तो नहीं ना मिलोगी ये अपने दिमाग में मुझे जानने का है कि हाँ तुम कर रही थी कुछ बता रही थी बताओ हाँ तो बस बहुत अच्छा बहुत अच्छा दोस्त और हाशिर हाशिर थोड़ा सा पागल है लेकिन बहुत बहुत अच्छा है और <laughs> या, या, या भाई डों मतलब वो, मतलब हंसाता रहता है हर टाइम सबको ये सबसे अच्छी बात है कि कोई भी सैड नजर आ रहा होता है तो कोई ना कोई जुगत मार देता है आखे और हाँ बेसिकली हाशिर एक एंटरटेनमेंट प्योर एंटरटेनमेंट है और हेशाम वो है जिसके साथ तुम टाइम स्पेंड करना अच्छा सब नहीं, नहीं मैंने अच्छा ये कब तो कहा नहीं तुमने कहा ना क्रूजिंग पे हम निकल जाते तो मतलब फ्रेंड्स निकल जाते हैं ना क्रूजिंग पे <laughs> हाँ वही कि यानी कि मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर तुम्हें अगर तुम्हारे पास ऑप्शन हो कि तुमने एक दिन पूरा एक दिन में से आठ घंटे स्पेंड करने है। तो तुम हिशाम को कितना टाइम दोगे और हाशू को कितना टाइम हम साथ ही निकल जाएंगे <laughs> <साँग क्रूजी ये। laughs> बोरिंग स... बोरिंग जवाब दे रही हो यार तो क्या मैं बोलूं मसाला डालो थोड़ा <laughs> तुम चाहते हो मैं, मैं ये कि हम क्या तुम चाहते करते रहे बड़ी नहीं मैंने कह दिया

सदीद को काउंट करो मोहसिन भाई को काउंट करो अच्छा सारों में तैयब को काउंट करो मुगीज को काउंट करो हमजा भाई को काउंट करो असलान को काउंट करो नंबर वन पे है सुंदस हम्म नंबर टू आई वुड से ऑनेस्ट ऑनेस्ट आवर ऑनेस्ट लिया या नंबर टू शुड बी मोहसिन भाई हम्म नंबर थ्री हमजा भाई <laughs> ये जान के लंबा कर रहे नहीं तो नंबर बता रहे ना। so, हैं ना अच्छा पता नंबर फोर लाइबा हैव टू सेव गर्ल्स मैन या या हैव टू सेव लेडीज फर्स्ट ये वो है कि जो शेर जिनको खा जाए नंबर फाइव पे <laughs> कि जिनको शेर खा जाए के ना खाए ना <laughs> यानी के ना खाए इनको मैं बचा रहा हूँ नंबर 5 पे आई वुड से तैयब ही इज इंपॉर्टेंट ब्रो फोटोग्राफी फोटोग्राफी <laughs> <ये नुण। laughs> <वोले थे? laughs> <माई> <laughs> हाँ एकस्ट नहीं है वो झूठ बोल रहे हैं मुझे पता होगा झूठ बोल रहे हैं तुम्हारा नाम अच्छा तुम्हें क्या लगता है मेरी बुक में तुम्हारा नाम किस नंबर पे होना चाहिए मुझे क्या लगता है थर्ड मोहसिन भाई के बाद मोहसिन भाई के बाद आपकी मौसम भाई की तुम ठीक है तुम ले लो यार <laughs> बच जा तू। कोई बात नहीं नहीं ब्रो देख तू, तू, तू जब फोर पे आएगा लाइबा निकल जाएगी ये तो बेचारी इसकी तो टांग टूट जाएगी इसकी टांग तो खा गया होगा शेर तू जाता है लाइबा पहली बेचारी हड्डियां गोश्त वैसे गुड यार यार शाम लास्ट नाइट हम ने कुछ चार्ट को बोला था गाना लिखने का तुमने बनाया उस पे? <laughs> नहीं बनाया नहीं वो हाँ, बंद हुआ या उसकी कोई कम्प्लेन्स आ रही थी बहुत ज्यादा तो उसकी प्रोग्रामिंग में कोई इशू आया सवाल पूछा था इसलिए मुझे सबसे चार जी पी जो तो, भी है चार जी टीबी ये के अंदर जाके थोड़ा सा चार जीटी जो है ना ये इन्होंने रात को मुझे बताया मुझे तो मेरे तो दिमाग हाँ। हिल गया वो झुकते बताते तो आजकल तो मेरे झुकते बहुत पुरानी होगी मैं कोई हंसता नहीं है हाँ। अब तो अब मुझे मजे की चीज़ है यार जैसे इवन फॉर म्यूजिशियस अब हमें टाइम लग जाता है हमें वो एटमोस्फियर अगर हमने रिकॉर्ड करना होता है ना तो हमें होता कि बंद कमरे में बस आई एम गिव पीपल अ लाइव एग्जांपल इज इट विद विद यू यू इट्स नॉट या सैडली लास्ट नाइट हम लोग ने चैट जीपीटी को लिखा कि हमें उर्दू में गाना लिख के दो अरिजीत सिंह स्टाइल के अरिजीत सिंह जिस तरह के yeah. गाने गाता है जो उसके लिरिक्स होते हैं ब्रो उसने पूरा गाना लिख के दिया हमें वर्स 1 वर्स 2 वर्स 3 और शाम ने गिटार बज पकड़ के वो गाना उसकी एक ट्यून बना दी और वो एक्चुअली मजे का गाना था लाइक आई रीड

or emails internet youtube all these uh, these things were new at uh, some point or now those were these things, those are big big breakthroughs in, in in human technological advancement but this is just insane way this now, is like you cannot even imagine <laughs> the effects of chat gpt because we are never going to know I was, in four months it had... i think well, पता नहीं क्या कोई बता रहा था एट टाइम ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है इन चार महीनों के अंदर आठ गुना ज़्यादा स्मार्ट हो गया चार्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कुछ दिन पहले आपसे सॉरी टू कट यू ऑफ मैं कॉफ़ी शॉप पे बैठा हुआ था एक बंदा आके वो हमेशा वहाँ पे लैपटॉप लेके बैठा होता है तो कहते है, मैं आपको बताता हूँ उसने मुझे पहली बार इस चीज़ से इंट्रोड्यूस किया था तो उसने भी सर्च किया उसने कोई पूरा गाना लिख दिया तो मैं यही सोच रहा था कि यार चलो फ़ायदा है इस चीज़ का बिकज़ फ्रॉम अ म्यूजिशियन परस्पेक्टिव आपको एक बहुत टाइम चाहिए होता है यार कुछ गाने आप एक दिन में बना लेते हो शाविर और कुछ गाने तीन तीन साल लग जाते हैं कुछ कुछ गाने आपको अपने एक्सपीरियंसेस से बनाने पड़ते हैं हैप्पीनेस सैडनेस ब्रेकअप शादी इस तरह की चीज़ें होती है ना आपको उससे रिलेट करके गाने बनाने होते हैं Absolutely. तो आपको टाइम लग जाता है बट दिस थिंग आई वॉज लाइक अमेज एक्चुअली तुम्हें पता है जब मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, था ना खान साहब के पास mm -hmm. तो मुझे जो दिमाग में मेरे सवाल चल रहे थे ना वो सारे इसी तरह के थे कि दुनिया इस वक्त कहाँ जा रही है लोग किस फोर फ्रंट पर लड़ रहे हैं लोग लो क्या क्या कर रहे हैं इंडिया चांद पर जा रहा है नेक्स्ट ईयर <coughs> मैं ये सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे और मैं कह रहा था कि पाकिस्तान कहाँ तो मेरे दिमाग में सवाल यही आया कि आप कितने अरसे में पाकिस्तान को प्रॉस्पर देखते हैं क्योंकि फ्रॉम वेयर आई एम थिंकिंग माई थाट प्रोसेस इज़ कि अगर हम बेसिक लेवल से ही ऊपर नहीं जा पा रहे हैं तो हम उस लेवल तक कब पहुंचेंगे जब पहुंचेंगे। हम ये चीजों कर होंगे मुझे यही है कि इन के बारे में अभी हम बात भी नहीं शुरू कर रहे रहे तुम समझ कि हाँ। जिस, nation, जिस, हाँ, जिस हो रही ना मतलब तुम जो चीजें बता रहे हो बस इस तरह सुन रही होती हूँ कहाँ हो रहा है मैं मुझे लगता है कि मैं एक प्रॉपर एक आ, ए, नेशन का एक वो वो वाला बंदो जो कि जिससे नाइनटी परसेंट ऑफ द आवा है या चलो एटी परसेंट सेवेंटी परसेंट कह लो मैं वो आवा वो वाला बंद हूँ जिसको पता ही नहीं है ना क्योंकि इस बारे में बात ही नहीं हो रही क्योंकि किसी भी लेवल पे कहीं भी ये चीज़ें सामने आ ही नहीं रही यू नो पार्टनर मेरे दिमाग में ना इस तरह के बहुत ज्यादा सवाल हैं जो मैं के सोचता हूँ कि अगर कभी खान साहब पॉडकास्ट पे आ गए ना किसी तरह तो उनसे मेरा जो दिल कहता है ना मेरा दिल ये करता है कि मैं उनसे पोलिटिकल कॉन्वर्सेशन एक मिनिमाइज करूँ और इस तरह की चीज़ों पर बात करूँ कि यू ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वोटर्स दैट वी शुड नो कि हमारी लीडरशिप कहाँ स्टैंड कर रही है cool. वो क्या ये चीज़ें भी सोच रही है साथ साथ ऑब्वियसली द बेसिक नीड्स वी आर डिप्राइव ऑफ द बेसिक नीड्स आटा नहीं है पानी नहीं है बिजली नहीं है महँगाई इतनी ज़्यादा है कि कोई अंदाजा नहीं है लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम आज से दस साल बाद बीस साल बाद का हमारा प्लान क्या है हम दुनिया से कंपीट कैसे करेंगे उसका प्लान क्या है उसका रोड मैप क्या है और आई कैन गारंटी यू अभी किसी के पास नहीं होगा क्योंकि अभी हम जिन जिस प्रॉब्लम में जिन मसलों में फंसे हुए हैं ना हम बेसिक नीड्स से ही बाहर नहीं आ रहे हो यार मुझे ये लोग मार रहे हैं मुझे बचाओ ओ mm. यार हम उनको मार रहे हैं हम मारेंगे क्योंकि हमारे पास पावर है ओ mm. यार ये लोग पावर का गलत इस्तेमाल इनको पकड़ पकड़ लो लो वो वो अब उनको वो आ गए अब उनको पकड़ लो कोर्ट्स जो है पुलिस उनकी साइड पे ओ यार, mm. यार आर्मी टाइम पे इन्होंने ये किया था इनके टाइम पे हम ये करेंगे हम उन चीजों पे कन्वर्सेशन हमारी हमारा दिमाग वहां फंसाया हुआ है हमारे ऊपर पावर जिनके पास है लोगों ने कि मेजोरिटी ऑफ द अवाम इज नॉट इवन बिगिनिंग टू आस्क द राइट क्वेश्चन विच आर कि इस वक्त दुनिया का फोर फ्रंट क्या है कहाँ पहुंच चुकी है दुनिया hmm. अगर रेस लग रही है ह्यूमैनिटी की तो इस वक्त बाकी कंट्रीज बाकी कंट्रीज का ट्रैक दूसरा है तुम यू समझो कि उनका ट्रैक ही अलग हो गया है उनका वो ट्रैक नहीं है जिस ट्रैक पर हम भाग रहे हैं इस ट्रैक पे भागते भागते वहां कभी पहुंच नहीं सकते क्योंकि hmm. वो ये रेस जीत के वो अगला ट्रैक भी जीत के वो अगला ट्रैक, ट्रैक, ट्रैक बदल भी, भी चुके हैं वो पांचवे छठे ट्रैक पे इस वक्त आगे निकल चुके हैं में चांद पे पहुंच गए थे hmm. हमारे पास स्पेस स्पेस प्रोग्राम जैसी कोई चीज ही नहीं है हमारे पास इस वक्त साइंटिस्ट ही नहीं है जो कि इस बारे में बिल्कुल बात भी करें यू नो आई मीन सो इट्स जस्ट क्रेजी हमारे हमारे लोग तरीके से चांद पे पहुंचे थे

आ, ये होगा कि अच्छा ये ये इसकी आ, मेरे दोस्त की शादी हुई उसकी तलाक होगी ये बातें नॉर्मली हर हर टाइम मतलब इस टाइप की टॉक्स होगी लोगों के बारे में अपने बारे हुँ, में हुँ। जिसना आप जो आ, ये चार जी टी जी बी टी जो भी है चैट जी पी चैट जी बी जो है ये चैट चैट जी पी टी जी पी टी जो है आ, ये मेरे लाइक भाई को क्या कि वहाँ पे जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे किसी को इसका क्या लाइक like, वो सोच भी नहीं सकते इस बारे में अगर मैं उनको जाके बताऊंगा वो मोस्ट प्रॉब्ली मैं मजाक उड़ाएंगे हाँ क्या बात कर रही है वो इस तरह की चीज़ होती है क्योंकि वो उनका माइंड फंसा हुआ है वहीं पे कि लोगों के मसलों में और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मसले देख लेंगे ये हो गया वो हो गया जो नॉर्मल पाकिस्तान की सेवेंटी परसेंट ऐसी है और मैं भी वैसा ही होता अगर मैं वहाँ पर होता यहाँ पर आके मैंने लाइक बहुत ज़्यादा सीखा आप लोग बाहर से आए हो शायद आपका इसलिए माइंड डिफरेंट है मुझे ये लगता है मेरा ये मैं बताऊँ देखो सदीप भी यहीं का है सदीप

घर पे बैठे बैठे किसी चीज़ से नहीं फर्क पड़ रहा हम लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं हम लोग अपने टाइप की अपनी चीज़ें देख रहे हैं हम लोग फैशन देख रहे हैं हम लोग एंटरटेनमेंट देख रहे हैं हम सारी चीज़ें देख रहे हैं हम लोग अपने कम्फर्ट जोन से नहीं निकलेंगे कि अच्छा साइंस में दुनिया में हो क्या रहा है क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं है और हम जब उसमें इंटरेस्ट डालेंगे या हम उस बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारी एफर्ट लगेगी ना और एफ़र्ट हमसे लगती नहीं है हम लोग बस फोन यूज़ करें क्या करें तो हम लोग बेसिकली अपने कम्फर्ट जोन से निकलते ही नहीं है इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करूँगी क्योंकि जब मैं शारबी की तरफ आया था ऐसा ही था अच्छा को को भी, भी चीज़ है जो आज क्योंकि बच्चे हैं ना वो सब वेप्स और पार्टीज़ और इन चीज़ों में भी चले गए हैं हाँ। जिनको पढ़ना चाहिए नहीं, इसमें क्या, शार्टी करो, करो, not, गोरे भी जितनी गोरी पार्टी करते ना उतना तुम सोच भी नहीं वेस्टेड लमी एक्सप्लेन यू वट गेटिंग वेस्टेडिंग वेस्टेड लिटरली मीन्स कि हम इतनी शराब पियेंगे आज रात के हम वेस्ट हो जाएंगे वेस्टेड मतलब बेहोश oh <laughs> यानी कि वो उल्टियाँ yeah. करते हैं फिर उनको उल्टा लटाते हैं लोग ताकि ये उल्टी करते वक्त अपनी उल्टी पे ड्राउन ना हो जाए वहां पर और ये फ्राइडे नाइट्स को वहां पर हो ये कल्चर है वहां का wow. लिटरल कल्चर है और आई मीन लाइक इट्स जज नहीं करना चाहिए किसी को क्योंकि हु आर यू टू जज अनदर पर्सन सबकी अपनी ज़िंदगी है बट पॉइंट इज़ कि वो शराब पी रहे हैं वो जुआ भी खेल रहे हैं वो सारे वो काम कर रहे हैं जो गलत है लेकिन बेटा जितनी उनके पास नॉलेज है ना और जितने वो तरक्की हैं तो साला वो कुछ तो कर रहे हैं जो सही है मैं ये नहीं कह रहा शराब पीने से आप साइंस स्पेस में पहुंच जाते हो मैं ये कह रहा हूं कि वो पार्टी भी कर रहे हैं लेकिन वो साथ साथ उन हाँ चीजों में एनर्जी है। लगा रहे हैं है। मैटर करती है।, है ये चीज इंपॉर्टेंट है एजुकेशन को कभी अंडरमाइन ना करना इट्स सो इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एजुकेशन और एजुकेशन आज के जमाने में इतनी इजी है बिल्कुल आप यूट्यूब करो मेरे मेरी सारी एजुकेशन यूट्यूब से है मेरा कुछ भी मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट माई सेल्फ राइट जितनी एजुकेशन मैंने यूट्यूब से गूगल से ली है पॉइंट इज कि यार अभी जिन फोर फ्रंट्स पे दुनिया पहुंच चुकी है ना बस आप उसको सिर्फ एक्सप्लोर करो बैठो mm. एंजॉय करो लेकिन यार थोड़ी बहुत नॉलेज गेन करो इन चीजों से चैट जीपी टी को एक्सप्लोर करो क्या है फाइंड वेज टू मेक मनी थ्रू दैट वट आर सम वेज यू कैन मेक मनी थ्रू चैट जीपी टी देर आर आर्टिकल रिटन ना हो यूट्यूब पर लोगों ने वीडियोज लगाना शुरू कर दिया कि आप चैट जीपी टी के थ्रू पैसा बनाना शुरू कर दो यूज दीज थिंग थिंग्स टू यूर ओन बेनिफिट चाहे आपको नहीं पता उसका लेकिन हैव द एनर्जी एंड मोटिवेशन टू लर्न अ थिंग और टू अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज बैठे बैठ के सोल्यूशन कहीं नहीं पहुंचोगे सोल्व इज यू नोन यू लर्निंग समथिंग यूनी making money is the most fun thing you can ever do <laughs> <We're> just, <like laughs> just ask this guy my man khalas you know he's how old are you khalas 24 24 and and what's like how's life <laughs> rich, <Alhamdulillah. guys. laughs> rich guy you were you're rich <laughs> alhamdulillah you were how old did you say you are? 24, 24. mashaallah or in so, 16 years my 16 started

aspire to be like him you know individuals like him young dynamic but learn a thing or two from people like him important cheese my favorite line from shahrukh khan he says uh, get rich and then become a philosopher

Uh, तकरीबन तो लाइक uh, पाकिस्तान के रिचेस्ट पर्सन में से आऊंगा <laughs> एक एक तो आज से पांच साल बाद का अपना अपना गेम प्लान बताओ या एक मैनीफेस्ट करो चीज कि तुम लोग अपने को कहा देख रहे चल है शाम तू शुरू कर आज से पांच साल बाद तू अपने आप को कहा देख रहे योर पोजिशन whatever you want to say either you can talk in terms of money or to in mental health whatever <laughs> okay so inshallah if god wills i see myself as a successful musician businessman and a happy married guy in 5 years from now inshallah successful businessman a musician you are you are a musician be be a little more specific a successful businessman and uh, a happy married life, I would say that So you're more inclined towards business. Yeah. So okay. I'm I already am doing one and I just wanna take it to a point, she, to tell it's me. It's Mujhe it's Specifics change. Manifest manifesting is like about all about specifics. It's not generalized. Many vessel manifests kiawaki like uh se exact pan salvad exact pan salvad uh mujhe jo like मैं खानदान चला रहाँगा अपना पूरा खानदान लाइक मुझे मेरा ये गोल है कि हमारे खानदान में काफ़ी पुअर भी हैं तो मैं लाइक उनको आ, सारों शुआ को सपोर्ट कर अच्छा, और उन सारों को मतलब इनशा इनशा अच्छा अभी तो मैं फैशन मॉडल हूँ लेकिन मेरा ये ड्रीम था बहुत पहले से तो मैं स्पोर्ट्स एंकर हूँ पी एस एल

कलेब्रेशन भी आते हैं वो इंशाल्लाह कलेब्रेशन भी आते हैं सामने फाइव इयर्स फ्रॉम नाउ इंशाल्लाह डेट्स डेट्स मोर स्पेसिफिक आई लाइक थॉट आई लाइक थॉट एक चीज़ मैं भी बोलूँगी मेरा कॉर्ड ड्रीम है एपी के साथ सॉन्ग करने की ये छोटी छोटी पाइप नहीं इंशाल्लाह मैनिफेस्ट होपफुली य I know what I'm doing. I'm In five years from now, what's up? No, five years, three years. Okay, three years. Give me something. Five cars with two houses. Five cars with two houses. Yeah. Adding them to my plate. Inshallah. Inshallah. Uske yeah, uh, five years from now? Yeah. Uh, I actually see myself as a successful actor. What the hell? <laughs> so, I know, right? Surprise though. <laughs> yeah, but it's like seeing Shahrukh Khan in Bollywood. I was a Bollywood. But they see but Bollywood kids. So acting and it's something that I've worked on for the past like eight months by taking courses and classes. No way. Yeah, that's where my time goes. So like in the next hopefully in the next year or so, but actually the aim is ke immediate aim is ke next Ram show show. And then in the next five years, it's a movie. Ho.

The, bra the brains behind the way we look, he makes us all look so good. He edits it so well. It's Sony's color science. And uh, <laughs> <laughs> but, and uh, <clears throat> the brains behind the, the look of the entire room, the podcast. But please go on, manifest five, five years. years from now. What's I up? see myself uh, probably directing uh, commercials and uh, making some sort of film film either a short or a feature but anything related to like a proper film inshallah so, yes. inshallah i manifest that in five years from now i would be the most successful actor in pakistan inshallah inshallah, 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 I, I, inshallah. I think the the biggest like i manifest that i, I i'm the biggest आपके होते होते तो मैंने इसलिए नाम नहीं लिया पता मुझे पता ये जाएंगे तो हम बीच में ग्रेवी में घुल जाएंगे <laughs> और, नहीं, नहीं, मेरी नहीं, नहीं। फिल्म शूट और सदीद मेरा को एक्टर होगा और अब हम ख़लास की गाड़ियां यूज करेंगे हिशाम उसमें गाने गाएगा और लाइबा उसके अंदर एक्टिंग कर रही होगी और हाशिम उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा क्योंकि ये दोनों ये इनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगा यार ये क्या बात हुई है क्योंकि <laughs> तब तक वो हैप्पी मैरिड गए और अरे शाम के बच्चों से आशिम की शादी हो चुकी होगी <laughs> With that being said, ladies and gentlemen, <laughs> thank you so much for watching the podcast, and we will, as always, catch you and in the that next, next one. Loves yeah, loves, yeah, loves,